Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to our English class. Today again we are doing chapter number 5, that is pronouns. Yes, in previous videos we have seen, say, what is pronoun. Pronoun yani kya? Pronoun is a word that used in place of nouns. Yes, तो हम pronouns कहाँ पे use करते हैं? Noun की place पे use करते हैं. आज हम क्या करने वाले हैं? Possessive pronoun. Yes, what we are going to do today? Possessive pronoun. Possessive pronoun means the things whom it belongs to. जो भी चीजें हैं वो किसको belongs करती हैं? Yes, उसको बोलते हैं possessive pronoun. तो कौन से words हम possessive pronouns में use करेंगे? Mine, yours, theirs, his, hers, its and ours. ये possessive pronouns के words हैं जो हम use करने वाले हैं. ठीक है, और फिर से मैं आपको बताती हूँ possessive pronoun यानी क्या. जो भी चीज़ें हैं, anything which belongs to us or anybody else, उसको हम क्या बोलते हैं? Possessive pronoun बोलते हैं. ओके, इन दैट वी आर गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स. ओके, सो लेट्स डू फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लर्निंग सीरीज इन दैट पेज नंबर 51. यस, पेज नंबर 51. So, today we are going to do grammar, possessive pronouns. Yes, we have done pronouns. Today we are going to do possessive pronouns. First of all, write today's date over here. Yes, write today's date over here. Okay, now we are going to read the following examples. Read the following example. Yes, this bag belongs to Rita. This bag belongs to Rita. It is Rita's bag. What the sentence is that? कि ये bag जो है ना belongs to Rita, मतलब ये Rita का है. और it is a Rita's bag, और ये Rita का bag है. And number 2, that house belongs to me. That house belongs to me. That house is mine. That house belongs to me. That house is mine. Okay. Here again, what I am saying that the house, वो जो घर है वो मेरा है. That belongs to me. It's mine. Okay. So here, the possessive pronouns show whom the things belong to. Possessive pronoun यानी क्या? पोजेसिव प्रोनाउन हमें ये दिखाता है कि जो चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं वो किसकी है. द थिंग्स जो हैं वो किसकी हैं, बिलोंग्स टू किसके लिए हैं या किसकी हैं. उसमें कौन से वर्ड्स यूज होंगे हम देखेंगे. माइन, योर्स, हिज, हर, अवर्स, देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउन्स. क्या क्या? माइन, योर्स, हिज, हर, अवर्स, देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउन. ये सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस है. तो हम पोजेसिव प्रोनाउंस की एक्सरसाइज अभी करेंगे. ओके, सो तो पोजेसिव प्रोनाउन यानी आपको पता चला? पोजेसिव प्रोनाउन यानी जो चीज़ है, जैसे कि ये पेंसिल है. ये पेंसिल किसकी है? ये मेरी है. तो दिस पेंसिल इज माइन. दिस पेंसिल इज माइन. ओके, हमें ऐसे पोजेसिव प्रोनाउंस करने हैं. ठीक है, From the box, choose word that indicates ownership of the things. Ownership यानी किसकी ये चीज़ें हैं. जैसे पेंसिल मैंने खरीदी तो चीज़ें, ये पेंसिल किसकी हुई? मेरी हुई ना, तो मैं ऑनर हुई ना पेंसिल का. यस, तो वैसे ही मैंने कार ली तो कार किसकी है? कार किसने खरीदी? मैंने खरीदी. या तो कोई स्टूडेंट ने, आप में से जैसे कि राहुल ने कार ले ली, तो वो कार किसको बिलोंग करेगी? राहुल को के मेरे को? तो राहुल को. यस, सो लेट्स डू. इसमें हमें क्या यूज करने हैं? हिज, हर्स, देयर्स, इट्स एंड माइन, ये हमें यूज करने हैं. ओके, सो दिस कार इज राहुल्स. दिस कार इज राहुल्स. सो दिस कार इज हिज. ये किसकी कार हुई?
राहुल की, तो हम क्या यूज करेंगे? हिज। हिज क्यों यूज किया? क्योंकि राहुल क्या है? बॉय है। ओके, सो देन सो नंबर टू, दिस बुक इज पारुल्स, दिस बुक इज डैश। तो यहाँ पे पारुल क्या है? यस, इट्स अ गर्ल्स नेम, इट्स अ फेमिनाइन वर्ड। सो पारुल में हम क्या यूज करेंगे? दिस बुक इज हर्स, वो उसकी बुक है, तो हम क्या यूज करेंगे? हर्स। ओके, नाउ द थर्ड वन, दीज कलर्स आर अभय एंड रीटा। यहाँ पे दो हैं, वन बॉय है एंड वन गर्ल है, तो दो पर्सन हुए अभय और रीटा, वन बॉय एंड वन गर्ल। सो दीज कलर्स आर देयर्स, हम क्या यूज करेंगे? देयर्स, उनके हम क्या बोलते हैं? देयर्स यानी उन दोनों के। यस, देयर्स, दीज कलर्स आर अभय एंड रीटास, तो दीज कलर्स आर देयर्स। ओके, सो नाउ द फोर्थ वन, दीज पपीज आर टॉमीज द डॉग, दीज पपीज आर, व्हाट विल कम? एनीवन कैन टेल मी? दीज पपीज आर टॉमीज द डॉग, दीज पपीज आर माइन। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कि एक डॉग को पपीज हैं, टॉमी को द डॉग है उसको पपीज हैं, तो वो पपीज किसके हुए? डॉग के ही हुए ना, इसलिए हमने क्या यूज किया? माइन। ओके, नाउ द फिफ्थ वन, द रेड बॉल इज मीनास, द रेड बॉल इज मीनास, रेड बॉल किसका है? मीना का, तो हम क्या यूज करेंगे? द रेड बॉल इज हर्स, एच ई आर एस, हर्स। ओके, देन दिस इज माई वाटर बॉटल, द वाटर बॉटल इज, व्हाट विल कम देयर? माइन। यस, द वाटर बॉटल इज माइन, वो मेरी वाटर बॉटल है, तो हम क्या यूज करेंगे? माइन। नाउ द नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, दिस साउंड इज किटीज, द कैट, किसका साउंड आ रहा है? किटी, कैट का, द साउंड इज, यस, माइन। कैट का साउंड आ रहा है, वो खुद के साउंड के बारे में बात कर रही है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? माइन। दीज टॉयज आर माई चिल्ड्रन, दीज टॉयज आर माई चिल्ड्रन, तो दीज टॉयज आर, यस, व्हाट विल कम देयर? कैन यू टेल एनीवन? These toys are my children. These toys are, okay, this one example you can do by your own self. You have to think. I know the answer, but I am not giving. Because, do you understand the topic? Possessive pronoun, yani, जो चीजें हमारी हैं, वो उसमें हम क्या यूज करेंगे? Mine, yours, his, hers, ours, theirs. ओके, तो उन सबको पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन यानी द थिंग्स बिलोंग टू मी, बिलोंग टू अस, तो हम उसको अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं, तो उसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, कौन से वर्ड्स और कैसे करना है, ये आपको लास्ट सेंटेंस इसलिए खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 5. With this, we are going to do fair book exercise also. So, you have to complete it, both of them. Okay? Till then, take care. Bye-bye.